हमारा जीवन है, अगर किसी को कष्ट मिल रहा, परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसा ते ही, अवसर मिले ना, जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को मिला है। दशरथ जी पिता हैं, लेकिन भगवान की गोद में प्राण नहीं छोड़े, भगवान के विरह में प्राण छोड़े हैं, लेकिन जटायु जी भगवान की गोद में प्राण छोड़े हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने सियाजू के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सियाजू को रावण हरण कर लिया, जानता है जटायु कि मैं रावण के सामने क्या हूं, बड़े बड़े देखपाल कांपते हैं, लेकिन एक पक्षी जटायु अपने पंख को प्रहार से उसको रावण को विचलित कर दिया, चोंच पंजे पंख के प्रहार से, कि तुम्हें माता को नहीं ले जाने देंगे, सीता जी को नहीं ले जाने देंगे। उस चंद्रहास के द्वारा पंखे काट दे, व्याकुल होकर गिर पड़ा, हा राम हा राम। आगे पड़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा, भगवान ने गोद में उठा, अंत्येष्टि के अंत समय उसका भगवान की गोद में प्राण निकला। और जो दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया भरत जी ने की, राम जी ने स्वयं अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की। समझ रहे ना, दूसरों की रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी।